हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। अब जैसा कि ह्यूमन की बॉडी है, वैसे ही फ्रॉग की बॉडी भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की बनी होती है, यानी ये सारे मिलके फ्रॉग के बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो हम वन बाय वन सारे सिस्टम्स को देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग लेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इन केस ऑफ फ्रॉग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स? वन इज एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि हमारे में भी होता है, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में वो ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, जिससे कि डाइजेशन होता है। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग बात करें फ्रॉग के केस में, फ्रॉग इज कार्निवोर एनिमल्स, इसलिए फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है दैट इज स्मॉलर वन कंपेयर टू एनी हर्बीवोर एनिमल। तो स्मॉल में कौन सा पार्ट स्मॉल होता है? दैट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कार्निवोर एनिमल्स का छोटा होता है, इसलिए उनका एलिमेंट्री कैनाल भी छोटा होता है। नाउ अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव रूट की, कि खाना कैसे जाता है, तो सबसे पहले फूड गोज टू अ माउथ दिस पार्ट, एंड यहाँ पे खाना जो है वो माउथ के थ्रू जाता है अंदर वाली कैविटी में, जिसको कहते हैं बकल कैविटी। तो फर्स्ट माउथ एंड देन सेकेंड वन इज ओरल कैविटी या बकल कैविटी। बकल कैविटी में होती है टंग। इन केस ऑफ फ्रॉग जो टंग होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है, वो मस्कुलर होता है, लंबा होता है और आगे से वो बाइफर्केटेड होता है लाइक दिस, और फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ये जो सारे स्ट्रक्चर है दैट इज मस्कुलर, लॉन्ग, आगे से बाइफर्केटेड एंड फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये प्रे को पकड़ने में यानी इंसेक्ट्स को, फ्रॉग को पकड़ने में हेल्प करता है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ओरल कैविटी में सेलिवरी ग्लैंड यानी जो सलाइवा सिक्रीट करती है ये ग्लैंड नहीं होता। तो फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता है। आफ्टर ओरल या बकल कैविटी जो फूड है वो फैरिंग्स में पहुंचता है, फैरिंग्स के बाद फिर ईसोफेगस में। तो ये सारे माउथ, ओरल, फैरिंग्स, ये सब जो है वो रूट प्रोवाइड करते हैं फूड को। आफ्टर ईसोफेगस जो फूड है वो पहुंचता है स्टमक में। स्टमक जो फ्रॉग का होता है उसकी जो वॉल होती है दैट सिक्रीट एसीएल। एसीएल क्या काम करता है? एसीएल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मीडियम को एसिडिफाई करता है। एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद जो स्टमक के एंजाइम्स हैं यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस कहते हैं जिसको, स्टमक के जूसेस को यानी जिस जो एंजाइमेटिक जूस होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये केवल काम करते हैं एसिडिक मीडियम में, जिसको बनाने का यानी एसिडिक मीडियम बनाने का काम करता है एससीएल। सो इन अ स्टमक एससीएल और गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से फूड जो है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है। ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं काइम। इसको कहते हैं काइम। ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड दैट मींस काइम, ये फिर यहां से पहुंचता है इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन का एंटीरियर पार्ट होता है दैट मींस ड्यूडेनम, वहां पे दो इंपॉर्टेंट थिंग्स या इंपॉर्टेंट जूसेस आके इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट में आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज अ बाइल। बाइल ये बनता है थ्रू लीवर एंड स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से ये बाइल, जिसका मीडियम बेसिक होता है, ये बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो बेसिक मीडियम बनाते हैं। ये जो खाना आता है काइम दैट इज एसिडिफाइड, क्योंकि जो स्टमक है उसमें एसिडिक मीडियम होता है। तो ये बाइल जो सबसे पहले आके उस फूड के मीडियम को एसिडिक से बेसिक करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए जितने भी एंजाइम है वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। और एक और चीज दैट इज पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियास जो है वो अपना डाइजेस्टिक एंजाइम्स उसको भी इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट दैट मींस ड्यूडेनम तक भेजता है। अब ये बाइल और पेंक्रियाटिक जूस ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आती है। कैसा है?
ये अगर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का एंटीरियर पार्ट दैट मींस ड्यूओडेनम, तो यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर से और ये पैंक्रियास से ये दोनों डक्ट आके मिल जाती है, ये बाइल डक्ट है एंड दिस वन इज पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलके यहां बना लेती हैं कॉमन बाइल डक्ट, और ये डक्ट है जो दोनों को इस ड्यूडिनम में ओपन करती है और बाइल एज वेल एज पैंक्रियाटिक जूस को ड्यूडिनम में छोड़ देती है। सो थ्रू कॉमन बाइल डक्ट बाइल और पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में आते हैं और फूड के डाइजेशन को हेल्प करते हैं। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, मींस डाइजेशन कंप्लीट, वो होता है इंटेस्टाइन में, और आफ्टर डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं लाइक दिस, इनको कहते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, तो ये इनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो तेजी से होता है इन अ इंटेस्टाइन, दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन जो खाना है, जो अनडाइजेस्ट, जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड में चला जाता है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आ जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद ये जाता है क्लोएका में, और थ्रू क्लोएकल अपर्चर ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दैट इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जो बहुत कुछ सिमिलर होता है लाइक अ ह्यूमन। नाउ द सेकेंड सिस्टम वी विल टेक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज वी नो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, दैट मीन्स कि वो वाटर में भी रहता है एंड वो लैंड पे भी रहता है, और इन दोनों जगहों पर उसको रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है जिसका मोड अलग अलग होता है। सो इन केस ऑफ वाटर जो मेन क्या द वे बाय विच द फ्रॉग रेस्पायर इज थ्रू स्किन, तो स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाटर में ही मेन मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। इन केस ऑफ लैंड, पानी में वो तीन मोड से रेस्पिरेशन कर सकता है। वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिससे मैक्सिमम रेस्पिरेशन करता है दैट इज पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है थ्रू लंग्स, तो लंग्स के थ्रू ये मैक्सिमम रेस्पिरेशन करता है। जो सेकेंड मोड होता है दैट इज थ्रू स्किन, स्किन जैसा कि मैंने बताया था दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसके थ्रू भी लैंड पे भी वो रेस्पायर करता है। लास्ट जिसमें कम अमाउंट में करता है बट थ्रू दैट ऑल्सो इट कैन रेस्पायर, वो है थ्रू द बकल कैविटी। सो बकल कैविटी के थ्रू बकल कैविटी रेस्पिरेशन, सो बकल कैविटी यानी ये जो ओरल कैविटी है अंदर की, इसके थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करता है ऑन लैंड। सो इन केस ऑफ वाटर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वाइल इन केस ऑफ लैंड द मोस्ट कॉमन वन इज अ पल्मोनरी यानी मैक्सिमम पल्मोनरी यानी लंग्स के थ्रू होता है, उसके बाद स्किन के थ्रू होता है, एंड द लीस्ट अमाउंट में बकल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है इन केस ऑफ फ्रॉग। सो थैंक यू सो मच।